प्लान बना था वो बनाइए करिए। हमारा कार्यक्रम बहुत सीमित है। मैं अपने रितेश जी जो हमारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आए हुए हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे जो हमारे यंग लीडर हैं हमारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के और डॉक्टर बेदी जी का हमारा छोटा सा इनॉग्रेशन करेंगे। साथियों पहले तो आपको मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन वॉलंटियर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये सभा संभव की। आपका धन्यवाद और आपका धन्यवाद आप समय निकाल के आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप की भी ये वही चिंता है जो हम सबकी चिंता है। वो चिंता है कि इस देश में ईमानदारी कैसे लाई जाए, क्योंकि इस वक्त ईमानदारी का बहुत जबरदस्त इसमें थोड़ है, बहुत कमी है इस देश में। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन शायद पहली बार ही दिल्ली की तरफ से अन्ना टीम की वजह से, मुझे मालूम है कि टीम अन्ना की वजह से कोई और पहले व्यक्ति आए कि नहीं आए, लेकिन अगर मैं पहली आई हूं तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये मूवमेंट है क्या, थोड़ा समझ लीजिए आगे चले और आगे का हमारा लक्ष्य क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्य से फिर आपको क्या लाभ होने वाला है, हर व्यक्ति को लाभ क्या होने वाला है। पिछले साल 13 महीने पहले जितना भी करप्शन का सबूत उन दिनों में आ रहा था, कॉमनवेल्थ गेम्स का सबूत आ रहा था या 2G स्पेक्ट्रम का, इसमें लाखों करोड़ों रुपए का घोटाले जो करप्शन की जो खबरें मीडिया के थ्रू छप रही थी, मीडिया टेलीविजन के थ्रू आ रही थी, कुछ लोगों को हमें बड़ी चिंता हुई कि इस सबूत के साथ करें क्या, क्योंकि उस वक्त माफ करना ये कहना पड़ रहा है कि उस वक्त कोई भी FIR दर्ज नहीं हो रही थी, कोई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो रही थी और रोज हम लोग तंग आ गए थे अखबार में पढ़ पढ़ के और टेलीविजन पे उनकी ऊपर वो डिस्कशंस और डिबेट सुन सुन के, लेकिन पुलिस का एक्शन कुछ नहीं हो रहा था। तो उस वक्त की बात है कि मैं और अरविंद केजरीवाल हम दो जनों ने मिलके प्रेस के सामने वो सबूत रखे, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबूत रखे कि ये देखिए सबूत, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही, इतना घोटाला हो रहा है करोड़ों करोड़ों रुपए का हो रहा है और उसके लिए सबूत भी टेलीविजन दे रहा है, अखबार वाले भी छाप रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो उसके बाद भी हमने फिर एक मेजर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एक सभा की, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जब सभा की तो उसमें सारे लोग जुड़े, बहुत सारे एक्टिविस्ट जुड़े, हमारा को ग्रुप ऑफ और उसमें सारे फेथ भी जुड़े, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भी आए और सारे सारे एक्टिविस्ट जुड़े। उस एक्टिविज्म में ये मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता रही हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली सुनना बहुत आसान रहेगा और आपको भी याद रहेगी। उस एक्टिविज्म में श्री श्री रविशंकर जी भी आए और उस एक्टिविज्म में साथियों अन्ना हजारे जी भी आए। ये मैं 14 नवंबर की बात कर रही हूँ, पिछले साल नेहरू जी का जन्मदिन था, हमने इस तरीके से नेहरू जी का जन्मदिन मनाया कि हम लोग सारे इकट्ठे हुए और हमने फिर एक जॉइंट FIR जो सबूत हमारे पास थे घोटाले के, हमने वो सबूत बना के एक FIR पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट में दर्ज कराई और उसमें हम लोगों ने सबने FIR पे साइन किया। अन्ना हजारे जी ने भी साइन किया, मैंने भी साइन किया, श्री श्री जी ने भी किया, बाबा राम ने भी किया, ऐसे और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ एक्टिविज्म में थे, देवेंद्र जी थे, कोई किसान सभा से जुड़े थे, कोई एग्रीकल्चर में अपने, कोई वाटर के थे, सभी एक्टिविस्ट जो थे जो अपने अपने मूवमेंट के साथ जुड़े थे देश भर में, वो लोग इकट्ठे हुए। उसमें कमल जायसवाल जी भी थे जो कि कॉमन कॉज की बात करें। तो हमने वो FIR जाकर पुलिस स्टेशन को दर्ज की और कहा कि ये लीजिए सबूत, आप FIR दर्ज करो। यहां से शुरू हुआ आंदोलन। उसके बाद हम लोगों ने साथ साथ, साथियों आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सरकार ने क्या किया, एक लोकपाल बिल, स्टेट में कोई करप्शन होती है, झारखंड में कोई करप्शन होती है, झारखंड में कोई बेईमानी होती है, या आपको मालूम है कि कितनी बेईमानी होती है, स्टेट की पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाती, स्टेट की पुलिस FIR भी दर्ज नहीं करती क्योंकि इन लोगों से इतना डरती है, तो स्टेट की पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, तो फिर करेगा कौन?
और नीचे चीफ मिनिस्टर आपने मधु कोड़ा को जानते हो, मधु कोड़ा 4000 करोड़ पर सारे बजट को खा गए और पूरा तिहाड़ जेल में है, क्या कोई स्टेट की पुलिस कुछ कर सकी? कुछ स्टेट की पुलिस कर सकी? आप उन्हें बताइए कर सकी? कुछ नहीं कर सकी। तो अब कौन करेगा इस देश में, कौन करेगा? आफ्टर ऑल भ्रष्टाचार एक अपराध है, तो अपराध के लिए पुलिस है, लेकिन अगर पुलिस भी नहीं कर सकेगी तो कौन करेगा? कोई बाहर से ऊपर से टपकेगा कोई? तो पुलिस भी अपने हाथ छोड़ती क्यों? क्योंकि पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल है, उनको कुछ करने नहीं देती, वो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, प्रशासन पॉलिटिकल है जो उनको, और पुलिस भी डर जाती है, वो कुछ करती नहीं, वो कहती मेरी तब्दीली हो जाएगी, तो नीचे की पुलिस डरती है, ऊपर वाले डराते हैं और साथ में भ्रष्टाचार करते हैं, तो कानून कैसे मिलेगा? तो फिर हमारे देश में, हमारे देश में एक संस्था है, उस संस्था का नाम है CBI। CBI का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये केंद्रीय है एक बॉडी जो कि तफ्तीश करती है सरकार के ऐसे घोटालों पर, तफ्तीश करती भ्रष्टाचार। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वह जो संस्था है वह भी सरकार के अधीन है, वह भी सरकार के अधीन है। अब वो भी अगर किसी पर तफ्तीश करनी पड़े तो उसको ऊपर से इजाजत लेनी पड़ती है, और आमतौर पर कईयों में उसको इजाजत ही नहीं मिलती है। तो भ्रष्टाचार फैलता गया, क्योंकि ना स्टेट की पुलिस करती, ना CBI उसके ऊपर घोटालों पर कुछ करती। आपको मालूम है कि यही प्रॉब्लम है देश की, कि इस देश के पास एक आजाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। हमारे देश में एक जिसको कहते हैं जो कि घोटालों के लिए पॉलिटिकली आजाद नहीं है, लेकिन ये नहीं मतलब आजाद होने के बाद तानाशाह हो जाए, नहीं, आजाद भी नहीं है, और तानाशाह होने का मतलब ही क्योंकि, और आप, मैं कहती हूँ आजाद नहीं क्यों, मैं ये कह रही थी क्योंकि अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टी केंद्र सरकार में आती है वो यही आरोप लगाती है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आजाद नहीं है। तो जब दोनों पार्टी अपने अपने टाइम पर एक दूसरे को दोष लगाती है तो क्यों है? क्योंकि कोई भी ऊपर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए CBI को सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है, सरकार कईयों में इजाजत नहीं देती या इजाजत बड़ी लेट देती है। जैसे आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स में इतना घोटाला हुआ, और इतना घोटाला होने के बावजूद भी एक क्वाइट रहने, कुछ प्लीज बी क्वाइट प्लू, मैं आपको आपसे बात करने आई हूँ, आप ऊपर आपसे जब लोग बैठते हैं ना तो उनको चैन मिलता है। तो ये समझना बड़ा जरूरी, क्योंकि दूर दूर इधर दूर आया नहीं जाता। तो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये मीडिया वालों को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि मीडिया वाले तो ये सारी खबर उन लाखों को पहुंचाएंगे जो यहाँ नहीं आए हैं, इसलिए इनको काम करने दीजिए। तो फिर मैंने आपको बता रही थी कि ना आपके पास अपनी स्टेट की पुलिस जो भ्रष्टाचार को अपराध समझ के उसका तफ्तीश करे, उसकी गिरफ्तारियां करे, उसको सजा दिलाए, उसका पैसा वापस दे सरकार को, ना आपको झारखंड में है कोई, ना ऊपर आपको आजाद कोई एजेंसी है जो कोई काम करे इंडिपेंडेंटली, तो क्या करेगा? और ऊपर से मैंने आपको बोला कि सरकार ने अपना एक लोकपाल बिल बनाया, लोकपाल बिल ने फिर से उसी एजेंसी को फिर से आजाद नहीं किया, उसको अपने पास कंट्रोल में रखा, और फिर से कहने लगे कि अगर कोई तफ्तीश करेंगे तो इजाजत लेनी पड़ेगी सरकार से। तो ये बहुत जबरदस्त समस्या बन गई। जब हम लोगों ने कानून पढ़ा तो हमने फिर आवाज उठाई, इसी तरीके से फिर हम लोगों ने जब आवाज उठाई हमने फिर एक नया कानून बनाया, उसी कानून को दोबारा लिखा जिसका नाम था जन लोकपाल बिल। अब आपने अभी तक लोकपाल सुनते रहे, अब जन लोकपाल सुनते रहे। लोकपाल वो था जो सरकार ने बनाया जो बिल्कुल अधूरा था, जिसमें फिर भी आपकी करप्शन उसी हाल में रहनी थी जो इस हाल में है, ना पकड़ा जाता है, ना सजा होती है, ना उसका पैसा बरामद होता है। और हम लोगों ने जन लोकपाल बिल बनाया जिसमें उसको खुली इजाजत मिली कि तुम कानून जब
कोई भ्रष्टाचार करता है, अगर आप उसको अपने आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, अपने आप उसकी तफ्तीश कर सकते हैं और उसको सजा भी लाइफ इंप्रिजनमेंट हो और उसे पैसा भी बरामद हो। हमने और उसके अधीन प्रधानमंत्री भी हो, उसके अधीन सारे मंत्री भी हो, उसके अधीन सारे अफसर भी हो, उसके अधीन सारे एमपी भी हो, तो ये सारा चीजें हमने उसके अधीन बनाई। अब आए दो कर, एक तो सरकारी बिल और एक है लोगों का बिल। ये है लोगों का बिल जिसने टीम अन्ना ने लिखा, जिसको टीम अन्ना का बार बार आप कहती है। ये टीम अन्ना में जस्टिस हेगडे जो जज रहे सुप्रीम कोर्ट के, शांति भूषण जी जो कि हमारे पुराने लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रशांत भूषण जी जो मशहूर वकील हैं, अरविंद केजरीवाल जो कि इसमें एक्टिविज्म करते हैं, अन्ना हजारे जी जो नैतिक आवाज के मालिक हैं, नैतिक आवाज उठाते हैं, हम लोगों ने मिलकर फिर इसके लिए आप पब्लिक की तरफ से प्रतिनिधित्व किया और हमने ज्वाइंट कमेटी। आपको मालूम है कि जब हमने कानून बनाया और हमने आवाज उठाई तो सरकार ने हमारी कुछ नहीं सुनी। जब नहीं सुनी तब हमने आंदोलन शुरू किया। हमने ये कहा कि इतना भ्रष्टाचार हो गया है और अभी भी आप वही कानून लाने की कोशिश कर रहे हो जो कि समाधान नहीं मिलेगा। अब तो तौबा हो गई है, अब तो ऐसा कानून लाओ जिसमें समाधान मिले। तो उसके बाद हम इन्होंने हमारी जब बात नहीं सुनी तो जॉइंट कमेटी के लिए अन्ना ने 5 अप्रैल को भूख हड़ताल रखी। आपको याद होगा पहली भूख हड़ताल का कारण यह था कि अन्ना की हम लोगों की आवाज, जो हमने कहा कि अब ऐसे है, दो कानून है, एक कानून जो आपने बनाया, एक कानून जो जनता ने बनाया, अब कौन सा कानून पास करेगी पार्लियामेंट। तो उन्होंने कहा, अब जब सरकार अड़ी रही, सरकार ने बात नहीं मानी, तो अन्ना ने भूख हड़ताल की। और आपको याद है 5 अप्रैल में उस भूख हड़ताल की पहली आपने दृश्य टेलीविजन पे देखा, याद है आपको, याद है। तो वो उस भूख हड़ताल में हमारी एक ही डिमांड थी कि एक जॉइंट कमेटी बनाई जाए। उस जॉइंट कमेटी में आपका कानून सरकारी बनाया हुआ भी और लोगों का कानून भी बना हुआ, हम लोग चर्चा करें और एक कानून बनाए जिसमें हम दोनों की ताकतों को हाजिर करें। सरकार ने बड़ी मुश्किल से 3 दिन की हड़ताल के बाद अन्ना के पब्लिक का इतना जबरदस्त प्रेशर पड़ा और मीडिया ने सारे हिंदुस्तान में जब वो खबर सब छपी और खबर दिखाई गई तो सरकार ने झुकी और सरकार ने जॉइंट कमेटी का आह्वान किया। 5 मंत्री लोग और 5 हमारे लोगों ने उस कमेटी में बैठे और कानून बनाना शुरू किया। लेकिन कानून जब बनाना शुरू किया सरकार ने फिर से अपनी मनमर्जी की। उसमें उन्होंने अपने ही वही पुरानी बातों पे लगे रहे जिसमें कहते गए कि इस कानून में प्रधानमंत्री जी नहीं आ सकते, इस कानून में जज नहीं आ सकते, इस कानून में एमपी लोग जो कि पार्लियामेंट में अगर करप्शन करते वो नहीं आ सकते, इस कानून में सिर्फ केंद्र के लोग आएंगे, स्टेट के लोग नहीं आ सकते। उन्होंने अपनी ही कमियां बनानी शुरू कर दी। हमारी फिर से उनके साथ झगड़ा हुआ, हमारा काम नहीं चला, हमारी बहुत टूटू मैं हुई जो आप टेलीविजन पे देखते आए और उस मीडिया में रिपोर्ट भी होती थी। लेकिन खैर 30 जून के बाद वो जॉइंट कमेटी खत्म हो गई। अब सरकार ने कानून बनाना था, हमारे विचार भी ले लिए, अपने विचार भी ले लिए, लेकिन दुख से ये कहना पड़ता है कि उन्होंने फिर से अपने कैबिनेट को सरकार ने वही कानून दिया जो उन्होंने पहले बनाया, सरकारी कानून ही बनाया। उन्होंने जन लोकपाल बिल को फिर से अनदेखा कर दिया। क्योंकि उन्होंने अनदेखा कर दिया, हमको फिर से हड़ताल करनी पड़ी और फिर से हड़ताल हमने की 16 अगस्त को। 15 अगस्त के बाद अन्ना हजारे ने, आपको याद होगा, रामलीला ग्राउंड पे हड़ताल शुरू की और उनकी आवाज ये थी कि आप जन लोकपाल बिल लाइए ना कि अपना लोकपाल, क्योंकि आपका बिल ही वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अभी भी मुक्त नहीं करता और आप अभी भी वो भ्रष्टाचार के सीरियस नहीं है। आपने फिर से प्रधानमंत्री जी को भी अलग रख लिया है। लोग जब कह रहे हैं कि जजेस भी होने चाहिए, एमपी भी होने चाहिए, सारे स्टेट के लोग भी होने चाहिए, हम ये चाहते हैं कि सरकारी कानून केंद्रीय सरकार का कानून बने। लेकिन साथियों 12 दिन की हड़ताल के बाद, 11वें दिन के बाद, 12वें दिन जबकि कराई हो गई, हमको कुछ मालूम नहीं था कि अन्ना जी की सेहत को क्या होगा, 12 दिन वो भूखे रहे, केवल पानी पे रहे,
और हमको रोज चिंता होती थी कि डॉक्टर कहीं ये ना कह दे कि इनकी तबीयत खराब होगी तो इनको अस्पताल जाना पड़ेगा और पुलिस इनको अस्पताल ले जाएगी और ये सारा जो लाखों का आंदोलन है ये सब बिखर जाएगा। और उस मूवमेंट में आपका झारखंड भी जुड़ा हुआ था, आपके वॉलंटियर इंडिया अगेंस्ट करप्शन उस मूवमेंट से जुड़े हुए थे जो झारखंड में भी, जमशेदपुर में भी, सभी जिले इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट चला रहे। तो उसके बाद 12वें दिन जब लोगों का इतना जबरदस्त हड़ताल हुई, उसका मैं आपको श्रेय जाता है क्योंकि हर प्रांत से आवाज जब मीडिया के थ्रू पता चलने लग गया इनको कि ये तो जाने वाले लोग नहीं है, ये तो हटने वाले लोग ही नहीं है, लोग अब जुड़ चुके हैं इस मूवमेंट के साथ, एंटी करप्शन मूवमेंट के साथ, सरकार थोड़ी झुकी, पार्लियामेंट झुकी और पार्लियामेंट ने 12वें 11वें दिन की शाम को पार्लियामेंट में ये पास किया तीन चीजें उन्होंने पास की। एक पास किया उन्होंने कि हम ऐसा कानून लाएंगे, अब ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा कानून लाएंगे जो जब केंद्रीय सरकार, केंद्रीय पार्लियामेंट पास करेगी तो वही कानून का मॉडल सभी स्टेट्स में भी लागू होगा। इसका मतलब है वही कानून झारखंड में भी लागू होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका रूप लेगा लोक आयोग। तो वही कानून जो कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में लाएंगे वही कानून हर स्टेट में लागू होगा। अब आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हर स्टेट को भी सही कानून चाहिए अपने स्टेट कर्मचारियों के लिए, वो कानून होगा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार स्टेट के कर्मचारी करते हैं उनको कौन सा कानून लगेगा। तो इसलिए उस स्टेट के लिए भी हमने एक कानून ये पास करवाया। दूसरा, उसमें यह भी प्रावधान रखा कि अब जो पहली सरकार कह रही थी सरकार का कि ये सिर्फ केंद्रीय सरकार के मुलाजमों के लिए ही होगा कानून, हमारे साथ संसद ने माना कि अब केंद्रीय सरकार के नहीं, छोटे सरकारी के लोग, पटवारी से लेकर जिसको कहते पटवारी से प्राइम मिनिस्टर तक सारे कवर होंगे। मतलब कोई भी भ्रष्टाचार करेगा जो गरीब आदमी के साथ या अमीर आदमी के साथ वो भी कवर होंगे, ये दूसरी उपलब्धि थी। इसका मतलब पीएम से लेके, पटवारी से लेके प्रधानमंत्री तक सारे, अगर इनमें से कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो उसको लोकपाल या लोकायुक्त कवर करेगा, ये दूसरी उपलब्धि। तीसरी उपलब्धि का प्रॉमिस जो हमको पार्लियामेंट ने अन्ना हजारे को दिया वो ये कि अब एक सिटीजन चार्टर बनेगा जिसमें हर जगह लिखा जाएगा कि कौन सा काम कितने दिनों में हो जाना चाहिए और अगर वो उतने दिनों में काम नहीं होता तो उसके लिए ग्रीवेंस ऑफिसर होगा और लोकपाल के खिलाफ के पास शिकायत जा सकती है और अगर वो उसको काम नहीं होता तो उसको उसी पर दंड लगेगा और दंड लेके जिस आदमी का काम नहीं हुआ है उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा, उसको पैसा दिया जाएगा। ये तीन चीजें पार्लियामेंट मानी, ये बहुत असंभव चीज संभव थी, ये सारी पार्टियों ने माना तो ही अन्ना ने 12वें दिन अपनी हड़ताल खोली। आपको याद है सारी बात? आपको याद है बात? अब हमारी सिचुएशन ये है साथियों कि ये तीन चीज पार्लियामेंट बात कर चुकी है, एक कि यही काम कानून सभी राष्ट्रों में लागू होगा, दूसरी चीज मान चुकी है कि सिटीजन चार्टर बनेगा, तीसरी चीज मान चुकी है कि ये सारे अफसरों पर लागू होगा ऊपर से प्रधानमंत्री से पीएम तक। अब इसे मुकरना नहीं देना हमको, अब हमारे पास चुनौती ये है कि जो बाकी की चीजें हमने मांगी है कि प्रधानमंत्री जी इसके अधीन आए, इसमें जुडिशरी जजेस की भी करप्शन इसके अधीन आए और इसमें जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो आजाद हो जाए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमने मांगा है कि ये लोकपाल के अधीन आए ताकि 11 मेंबर जो लोकपाल के होंगे जो दुनिया सारे हिंदुस्तान से सिलेक्ट किए जाएंगे ये सीबीआई उसका एक हिस्सा होगी और उसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना। इसका मतलब एक बारी अगर कोई तफ्तीश, कोई करप्शन लोकपाल के अधीन आएगी उसमें कोई भी पॉलिटिकल दखलंदाजी नहीं हो सकती। इसका मतलब एक बारी तफ्तीश होगी तो ईमानदारी से, निष्पक्षता से होगी। यही कमी थी अब तक की कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारी आजाद नहीं थी। साथियों, ये लोकपाल कुछ भी और नहीं है सिवाय के सीबीआई को मुक्त करने की,
जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंडिपेंडेंट बनाने की, और कुछ नहीं है। और अभी सीबीआई का डायरेक्टर एक आदमी है, तब वो 11 व्यक्ति होंगे जो कि इसकी निगरानी करेंगे। मैं आपको बता सकती हूँ ये कानून, साथियों मैं आपको खुशखबरी ये देना चाहती हूँ, यही कानून एक स्टेट ने ऑलरेडी पारित कर भी दिया है, और वो कौन सा स्टेट है आप जानते हैं। और उसने जो भी आपने आपने देखा होगा, और इसका श्रेय जनरल खंडूरी साहब को जाता है, और वहां पर साथियों बीजेपी की सरकार है, और उस बीजेपी सरकार ने सारी पार्टियों को सर्वसम्मति से पास हुआ है। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें मायावती की भी पार्टी है, उसमें लोकदल भी है। सारी पार्टियां ने पास क्यों किया? क्योंकि वो समझ गए कि अब लोग ये देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति जनरलों पर बिल के खिलाफ है, क्योंकि जब वो खिलाफ समझा जाएगा उसको वोट नहीं लेंगे। इसलिए सारी पार्टियों ने सर्वसम्मति से उस लोक आयुक्त को पास कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम ये एक बहुत लंबी शुरुआत हो चुकी है। हमने स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने अपने कुछ संशोधन रखे, संशोधन जो कि खासकर जो कि इस वक्त उत्तराखंड के बिल में आ चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो जो लोग आप इंटरनेट पे पढ़ते हो, इंटरनेट देखते हो, उत्तराखंड के बिल को समझदारी से देखना। लेकिन दो तीन चीजों उस बिल की मैं खास खासियत आपको बताती हूँ। खासियत ये है, अगर वही बिल झारखंड का लोक आयुक्त बन जाता है मान लीजिए, तो क्या क्या फायदे होंगे झारखंड के? पहला फायदा, मान लीजिए मीडिया को खबर मिलती है, मीडिया के थ्रू अखबार में छपता है या टेलीविजन में आता है कि फलाना अफसर ने ये करप्शन की, अखबार की हेडलाइन बनी, टेलीविजन बना, तो आप समझते क्या कर सकता हूं मैं, तो अखबारों में तो आया है। लेकिन अगर सही लोक आयुक्त है तो उस कानून में प्रावधान है कि वही लोक आयुक्त उस अखबार की खबर को ही इंक्वायरी शुरू कर सकता है। ये सबसे बड़ी चीज, उसको इंक्वायरी शुरू कर सकता है, और इंक्वायरी शुरू करने के बाद अगर वो देखे कि ये कानून में इसमें किस शिकायत में जान है, तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर सकता है। FIR दर्ज करने के बाद तफ्तीश कर सकता है, और 6 महीने के अधीन कोर्ट को पेश कर सकता है के, और साथ साथ उसके ऊपर ये भी कर सकता है कि उसकी जो तफ्तीश को टाइम बाउंड होगा, हाई कोर्ट में जब उसकी तफ्तीश जाएगी तो जैसे उसका चार्ज बनता है, जो उसने जमा की है करप्शन की प्रॉपर्टी, वो उसकी फ्रीज कर सकता है। मतलब अगर उसने करोड़ों रुपए बचाए कहीं, तो उसको सील कर सकता है, उसको सीज कर सकता है, उसको रोक लगा सकता है, उस पर स्टे लगा सकता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात और जो आपके लिए और भी कुछ जरूरी है, एक तो ये कि वो जो लोकपाल को उसको किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी लोक आयुक्त को, वो अपने आप केस शुरू कर सकता है। दूसरी ये, मान लो कि मैं जैसे पुलिस कमिश्नर, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में रही, मैं दिल्ली पुलिस में थी, और मैं मान लो स्पेशल कमिश्नर हूँ या DIG हूँ या SP, और मेरा पुलिस कमिश्नर या DIG कोई करप्शन करता है, और मैं हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूँ, मैं नजर आता है, मुझे पता है कि यहाँ पर करप्शन हो रही है, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर इस वक्त क्या है, इस वक्त मैं किसके पास जाऊँ? मान लो मुझे पता है कि मेरा सीनियर करप्शन कर रहा है, लेकिन इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ, किसको शिकायत करूँगा, कौन सुनेगा, कौन उसकी तफ्तीश करेगा? कोई भी नहीं करने वाला, अभी कुछ नहीं है। अब नए लोकायुक्त के लिए है कि मैं लोकायुक्त के पास जा सकती हूँ, उसी लोकायुक्त के पास जाकर सबूत दे सकती हूँ, और सबूत देके मैं उसको बता, वो मेरी सबूत पर इंक्वायरी करेंगे। अगर इंक्वायरी पर लगे कि जो मैंने कहा है वो सही है, तो क्या करेंगे, मुझे सुरक्षा करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मुझे मरवाएंगे नहीं, मुझे डरवाएंगे नहीं, और आदेश देंगे सरकार की पुलिस को कि मुझे प्रोटेक्शन दे, जिसको कहते हैं विसल ब्लोअर, मुझे विसल ब्लोअर डिक्लेयर करेंगे और मेरी सुरक्षा करेंगे। और मान लीजिए मैंने करोड़ों रुपए बचवा दिए सरकार को, मान लीजिए 10 करोड़ का घोटाला हो रहा था, 10 करोड़ का गाड़ियां खरीदे जा रही थी गलत, या हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, और मैंने विसल ब्लोअर बन के जाके लोकपाल को बताया, तो लोकपाल मुझे भी प्रोटेक्ट करेगा,
ये देखेगा कि मेरा डिपार्टमेंट, मेरा कमिश्नर मुझे सस्पेंड ना करे, मुझे सजा ना दे, मुझे डराए नहीं, मुझे डिपार्टमेंट से धमकियां ना दे, मेरा इंक्रीमेंट ना रोके, और अगर मेरा सबूत सही है तो मुझे 10% उस इनकम से जो मैंने बचाई है उसका इनाम भी दे सकता। तो अब मुझे बताइए, अब आपको जो डिपार्टमेंट का व्यक्ति है उसको अगर पता हो कि मेरी सुरक्षा करी जाएगी, मुझे मरवाया नहीं जाएगा, मेरी डिपार्टमेंट मेरी हैरेसमेंट नहीं होगी बल्कि मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा, तो मुझे बताइए किसी डिपार्टमेंट में क्या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कि जाके बताएगा नहीं लोग पैर उसको कि मेरे भ्रष्टाचार मेरे डिपार्टमेंट में हो रहा है, क्या एक भी आदमी नहीं मिलेगा? और मेरे पुलिस कमिश्नर को ऐसे पता होगा अगर ये कानून होगा कि कोई भी व्यक्ति वोट सकता है तो वो क्या करेगा? अब वो भ्रष्टाचार करेगा, उसकी आदत है भ्रष्टाचार करने, लेकिन छिप छिप के करेगा, कम करेगा, डर के करेगा, सबूत बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन जितना वो बचाएगा उतना पकड़ा जाएगा, क्योंकि जितना बचाएगा उसका खुलेआम भ्रष्टाचार संरक्षक से नहीं हो सकता, सभी के साथ शामिल होकर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है मालूम नहीं कौन किसे ब्लो कर दे, कौन इनाम लेने चला जाए, कौन सबूत ले ले, इसलिए वो चीज छिपा छिपा के करेगा, उसके चांसेस पकड़ने के बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या होगा? हो सकता है भ्रष्टाचार खत्म ना हो लेकिन भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा, काम हो जाएगा, लोग डरने लगेंगे, सजा मिलने लगेगी, और इसके ऊपर तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, अभी तो सिर्फ 5 साल की सजा मिलती है उसको, हमने रखा है लाइफ इंप्रिजनमेंट, सारी उम्र की कैद उसके ऊपर रखी जाए, और उसका जो अब आप बोलेंगे मैडम कचहरी में बड़ा टाइम लगता है, कचहरी में तो 20-20 साल लग जाते हैं, हमने जो कानून बनाया है उसमें ये लिखा है कि जितनी कचहरियां हमको चाहिए कंप्लेंटों के अनुसार उतने कोर्ट लोकपाल खोल सकती है, उतने कोर्ट नए बना सकती है, इसको कहते हैं स्पेशल कोर्ट, लोकपाल के स्पेशल कोर्ट, जितने कोर्ट जितने जज नियुक्त करने हैं वो कर सकती है, उसके लिए बजट की भी स्वतंत्रता है। तो मैं ये बता रही थी, ये मांग रही आज की जनता, ये सरकार से हमको लेना है। अब ये कानून हमने स्टैंडिंग कमेटी के सामने रख दिया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में, उस स्टैंडिंग कमेटी में सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठी थी। अब हमने ये देखना है कि ये स्टैंडिंग कमेटी कब तक इस शीतकालीन की पार्लियामेंट सेशन में अपनी रिपोर्ट रखती है, और अन्ना जी ने यह कहा है कि अगर शीतकालीन तक ये बिल पास ना हुआ तो शीतकालीन का जो आखिरी दिन होगा उस दिन से हमारा आंदोलन शुरू, और उस दिन से हमारा आंदोलन क्या ये हाँ ये कोई बताओ मेरे साथियों, मेरे बहनों और भाइयों, क्या ये नाजायज डिमांड है? इसमें गलत क्या है? इसमें किसी का स्वार्थ क्या है? इसमें किसी पार्टी का क्या मतलब? इसमें कहना वो पार्टी लगी हुई है, वो पार्टी का संरक्षण, मुझे ये बताइए, मैंने आपसे पूछा है कि आप कौन सी पार्टी के हैं? मैंने आपसे पूछा है कौन से धर्म के हैं? आप सब देशवासी हैं, आप देशभक्ति हैं, ये आप ईमानदारी मांग रहे हो। इसमें कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन पार्टी बीजेपी का है, कौन मुस्लिम लीग का है, कौन बीजू दल का है, इससे मुझे क्या मतलब? मुझे तो अपने देश से मतलब है। क्या वो भी पार्टी अगर है तो क्या वो देशभक्ति नहीं करती? क्या वो ईमानदारी नहीं मांग सकती? क्या वो भी कानून नहीं मांग सकती? हमको मतलब किसी से मतलब नहीं कि कौन आए कौन जाए। हाँ ये जरूर है, ये जो मन है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये पब्लिक की मूवमेंट का है। इसलिए आपने देखा होगा कि इधर कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का मंच नहीं है, ये आम नागरिकों का मंच है, और नागरिकों का मंच में कोई पॉलिटिकल पार्टी की दखलंदाजी नहीं है। तो इसलिए ये देश की भक्ति है, ये देश की सेवा की भावना है, ये देश के लिए एक ईमानदारी का कानून लाने की मास मूवमेंट है। तो साथियों मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अब इसके बाद टेलीविजन की डिबेट में अगर आपको कोई गुमराह करे तो अरे ये तो टीम अन्ना है ना, ये लोकपाल ने तानाशाह बना रही है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने अधीन ला रही है, ये खुद अपने लिए कुछ आ रही है, इनका कुछ स्वार्थ है, कुछ नहीं है। हम तो वेट कर रहे हैं कि इस विंटर सेशन में कानून आए तो हम थोड़ी छुट्टी ले लें, क्योंकि 13 महीने से हमने ना इतवार देखा है ना शनिवार देखा, हमारे
वाले हम तो ये प्रार्थना करें अपने देश के लिए कि इतना नुकसान हो चुका है साथियों। अब मैं दूसरा भाग में कानून तो मैंने आपको समझा दिया, अब आप पूछेंगे हमको क्या फायदा होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है जब ये कानून आ जाएगा। फायदा ही होने वाला है, जो नुकसान हो चुका है वो नुकसान होना बंद हो जाएगा। आज मुझे बताइए जो सरकार का पैसा जो है इसलिए है, सरकार का पैसा वो आम जनता के भले के लिए है, सड़कें बनाने के लिए है, सड़कें बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, लोगों के लिए नौकरियां लगवाने के लिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन देने के लिए। ये सरकारी जो खर्चे हैं ये इन स्वास्थ्य इन विकास करने के लिए, गांव में बिजली पानी स्वास्थ्य की सेवाएं लगाने के लिए है। जब पैसा ही नहीं होगा, पैसा आप खा लेंगे, पैसा कहीं और भेज देंगे, मुझे बताइए कहां से स्कूल खुलेगा, कहां सड़क ठीक होगी, कहां पुल बनेगा, कहां से बसें आएंगी, कहां से और विकास की योजना आएगी, कहां से बुजुर्गों की पेंशन मिलेगी। बल्कि जो आएगी उसमें से भी पैसा खा लिया जाएगा। ये पैसा जो हमारा अभी तक नुकसान होता गया, जैसे आपने देखा है कि माइनिंग में जब माइनिंग होती है इतनी करोड़ों की माइनिंग होती है, सारा का सारा पैसा सरकार को आता है, वो बीच में कई खाने वाले खा जाते हैं, और जब जितना पैसा सरकार को भी आता है उसमें से फिर से उसमें धांधली हो जाती है, तो कैसे खुलेंगे। इसीलिए सड़कें टूटी हुई हैं, इसीलिए सड़कें छोटी हैं, इसीलिए सड़कों पे गड्ढे हैं, इसलिए आपके पास IMM IIT नहीं है, इसलिए आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती, हमारे बच्चे बेरोजगार रह जाते हैं। बेरोजगारी इसी गरीबी का एक कारण है, क्योंकि ये गरीबी इसीलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार है। जैसे ये भ्रष्टाचार खत्म होगा ये गरीबी खत्म हो जाएगी। साथियों हमारा देश गरीब नहीं, झारखंड गरीब नहीं, झारखंड बड़ा अमीर है, इसके पास ऐसे ऐसे धातु है जो बड़े कीमती है, इसके पास काला सोना है, लेकिन काला सोना मिट्टी में चला जाता है तो उसकी जो कमाई है हमें ईमानदारी से स्टेट को नहीं मिलती है। साथियों मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आई, लेकिन मैं देशभक्त हूँ, मुझे देश प्रेम है, इसीलिए तो पुलिस सर्विस में मैंने काम किया। मैं एक देशभक्त हूँ और अगर सोचती हूँ तो अगर ये कुर्बानी करने से हिम्मत करने से मेरे देश को ईमानदारी का कानून मिल जाए और मेरे देश में गरीबी को पैसा मिल जाए और विकास मिल जाए, मेरा देश अच्छा हो जाए, मैं समझूंगी मेरा जीवन सफल हो जाए। तो साथियों अब इसके बाद आपने जब टेलीविजन पे किसी की बात ऐसे सुननी है, आपने गुमराह नहीं होना, आपने विश्वास रखना है। आपकी टीम आपकी ये जो लोग आपके सामने आए हुए ये भाग्य से आए हैं, हमने अपने आप को चुना नहीं था, हमने ये नहीं कहा था कि हमसे बेटर कोई नहीं है, ये तो उस वक्त एक मूवमेंट चली थी। मैंने आपको जैसे बताया अरविंद और मैंने एक छोटी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर हम लोग सब मिलके FIR दर्ज की, फिर हम सब मिलके आंदोलन किया, फिर हम सब मिलके कानून बनाया, जो जो लोग उस वक्त जुड़ते गए कारवां बनता गया, चले थे अकेले लेकिन देखा कारवां बन गया, ऐसे हुआ, ये कार्रवाई तो है हमारे सामने, आप कारवां बन चुके हो। तो मैं आपको यही कहूंगी इस कारवां को बनाए रखना, ये हमारे वर्तमान का भी सवाल है और हमारे भविष्य का भी सवाल है। ये लोग जब सो जाते हैं, अब जब लोग डर जाते हैं, जब लोग साइड में चले जाते हैं और सोचते हैं मैं अपने परिवार का ध्यान रख लूं, मेरा परिवार पड़ जाए, मेरे बच्चे पड़ जाए, मेरा घर हो जाए, मुझे थोड़ी सुरक्षा मिल जाए, तो काम चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। करप्शन एक ऐसी बीमारी है, जब करप्शन होती है दिखती नहीं है लेकिन सबको काटती है, सबको नुकसान पहुंचाती है, पता नहीं किसकी बारी उस करप्शन में लिखी होती है, किसी को अस्पताल नहीं मिला, किसी का रोड में एक्सीडेंट हो गया क्योंकि सड़क उत्तम नहीं मिली, किसी को नॉन लाइट होने की वजह से उसको अंधेरा होने से उसका नुकसान हो गया, किसी को पानी गंदा मिला जिससे वो पानी से बीमार हो गया, ये सब करप्शन की वजह है। पानी गंदा होना, अस्पताल ना होना, काम काज ना होना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन
कनेक्शन ना होना, सड़कें ठीक ना होना, ये सब करप्शन की वजह से है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं लेकिन समझते नहीं है ये मेरी जेब से पैसा कट रहा है। करप्शन सबकी जेब से काट रहा है लेकिन दिखता नहीं है, सर्विसेज से दिखता है जब हमारी सर्विसेज फेल हो जाती है, जब हमारे बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती इसलिए तो कुछ पैसा नहीं बचा, या आधी पेंशन मिलती है तो कुछ पैसा कुछ खा गया, तब हमको पता चलना चाहिए ये भ्रष्टाचार की वजह से। साथियों मैं आखिर में एक बात कहूंगी, आंकड़े ये बताते हैं कि अगर हमारे देश में इतने करोड़ों का भ्रष्टाचार ना होता आप हम सब बड़े अमीर होते, हमारे ऊपर कोई ऋण ना होता, आज हम अमेरिका से कमजोर नहीं होते, हम अमेरिका जैसे अमीर होते, हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं होता। आपको मालूम नहीं है हमारे जो देश का कर्जा है वो हमारी कमाई से उतरता है। मान लो मैंने टैक्स दी सरकार को 1,00,000 रुपए, मैंने कमा के सरकार को 1,00,000 रुपए टैक्स दी, उसमें से कम से कम नहीं तो उसमें से कम से कम 30,000 रुपया तो ऋण में उतरता है सरकार की तरफ से मेरा, तो सरकार मेरे देश को मेरी तरफ से सिर्फ 17,000 मिला, 30,000 जो है वो मेरा गया, 30,000 गया ऋण उतारने के लिए। इसलिए ऋण गया क्योंकि मेरे यहाँ प्रशासन गलत, अच्छा प्रशासन बेईमानी को खत्म करता है और दुशासन जो है वो बेईमानी को बढ़ाता है। अब आपका क्या रोल है, अब आपने ये सब बात सुन ली, आपका क्या रोल है? करप्शन दो हिस्सों से बचती है, करप्शन दो चीजों से खत्म होती है। अब समझ लो ध्यान से कि मेरा आपका क्या रोल है, अब तो समझ गए कि मेरी सबकी जेब कटती है, मुझे नुकसान होता है करप्शन से, लेकिन मैं इसको जुड़ूं कैसे? पहली बात तो ये सारा शहर इंडिया अगेंस्ट करप्शन बने, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसमें पार्टी हो या मजहब सभी जिन्हें अपने आप को वॉलंटियर समझे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, जब जिन्हें वॉलंटियर समझे। दूसरी बात संगठित रहे, पॉलिटिशियन या भ्रष्ट व्यक्ति लोगों को बांटता है, दिखाता है ताकि संगठित अगर हो गया तो एक आवाज हो जाएगी तो वो उसको डर लगेगा, वो डरता उससे जब लोग संगठित हो जाए। अगर आप संगठित रहेंगे एक वॉलंटियर मूवमेंट से, ईमानदारी से, तो जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है वो डरता है। अब आपने आवाज उठानी है मीडिया के थ्रू या इंडिविजुअली कि सरकार तो स्टेट बिल पास करेगी, पार्लियामेंट में पास करेगी, वो भी हमको चाहिए, उसके बाद हमको झारखंड में लोक आयुक्त चाहिए। अब आपकी ये आवाज होनी चाहिए हमको लोक आयुक्त चाहिए और जल्दी चाहिए, उसके लिए असेंबलियां बनाना, मीटिंगें करना, आवाज उठाना, चीफ मिनिस्टर को बुलाना, अपनी आवाज उठाना। जब वो देखेंगे ये मैदान भरता जा रहा है, जब तक ये मैदान भरा हुआ नहीं दिखाओगे आपको कानून नहीं मिलने वाला। मैं आपको बता दूं कि जब तक ये मैदान भरा हुआ नहीं दिखाओगे आपको कानून नहीं मिलने वाला। घर में बैठे हो, जेबें कटती जा रही है, नुकसान हो जा रहा है और आप घर से नहीं निकल रहे, ये मैदान जब तक आपको रामलीला मैदान नहीं बनाओगे, इसको लगातार नहीं बनाओगे वो आपको कानून नहीं देंगे, आपकी जेब कटती जाएगी। साथियों रामलीला ग्राउंड सरकार यही देख रही थी कि ये खाली कब हो, जब वो 12 दिन खाली नहीं हुआ, लोग बढ़ते गए आते गए तब जाके माने, ऐसे नहीं मानने वाले थे वो, तो अन्ना को ले जाते हो, अगर लोग नहीं होते अन्ना हजारे को उठा के ले जाते हो। मैं आपको बता दूं अन्ना हजारे को उस जगह लोगों नहीं रहने दिया, लोगों की आवाज नहीं रहने दिया। आपको ये मैदान भरना होगा अगर आपने लोक आयुक्त लाना है, समझ लेना। और एक और चीज, ये आपने आवाज उठानी है लोगों के लिए, आपने भी गांव गांव में इसके बारे में बात करनी है, अपने स्कूलों में बात करनी है, अपनी सभाओं में इसके बारे में एजुकेशन देनी है। आपने अपने ग्रुप बनाने हैं, अपने गांव मोहल्ले स्कूल कॉलेज ऑफिस संस्था में आपको एजुकेट करना है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ऐसे आपने भी समझाना है। जब तक आप नहीं समझाएंगे, आगे बात चलाएंगे नहीं, इसको चेन नहीं बनाएंगे, एक चेन के बाद एक व्यक्ति से एक व्यक्ति जोड़ेंगे नहीं, ये बात यहीं तक सीमित रह जाएगी और स्टेट का नुकसान होता रहेगा। और
आपको तैयारी करनी है, अगर अगले साल तक लोक आयुक्त नहीं मिलना तो आपको आंदोलन करने होंगे, आपको मैदान में बैठ के भजन करने होंगे, आपको देशभक्ति की गाथ बोलने होंगे ताकि पॉलिटिशियन को पता चले हम मांग क्या रहे हैं। और अगर फिर भी नहीं देते तो जब झारखंड की अगली इलेक्शन आएगी आप वही करेंगे जो हमने ये सारे लिखा। हमने क्या किया था, हम पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स के पास चले गए और बोलो पहले बताओ आप हमें लोक आयुक्त दोगे कि नहीं। अगर मैं तुम्हें वोट दूं तो मुझे वोट पार्लियामेंट में दोगे लोकपाल के लिए, पहले मुझे लिख के दो। तो हमने उन लोगों से लिखवाया, जिस पार्टी ने लिख के नहीं दिया साथियों वो पार्टी हार गई। जिस पार्टी ने नहीं लिख के दिया, लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, वो पार्टी हार गई। आप कहेंगे मैडम लेकिन जो जीत गई वो अच्छे काम थे, मैं मानती हूँ वो अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये वादा किया कि पार्लियामेंट में लोकपाल के लिए वोट देंगे। मुझे सिर्फ वोट से मतलब है, मुझे उसे अच्छा या बुरे से नहीं मतलब, क्योंकि जो कैंडिडेट है वही है, उनमें से अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हमें उसको सिलेक्ट करना है जो हमें लोकायुक्त दे या लोकपाल दे। तो साथियों ये जब आपका समय चलेगा, आपके पास समय है, इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला, मैं आपको बता दूं कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक संरक्षित नहीं होंगे नहीं मिलेगा, जब तक आप मिल के आवाज नहीं उठाओगे नहीं मिलेगा, जब तक मीडिया आपको सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करेगी नहीं मिलेगा, क्योंकि मीडिया के थ्रू लोगों को सूचित करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब आपको मौका मिले टेलीविजन पे आने पर, रेडियो पर आने पर, इंडिया गेट्स वॉलंटियर जो है इस चीज को समझे और जाए टेलीविजन पर, रेडियो पर, अपनी अपनी आवाज उठाए। टीचर है तो स्कूल को बताए, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है तो स्टूडेंट्स को सिखाए, ये करना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक बहुत लंबा सफर है, 64 ईयर हो गए जब से हम आजाद हुए, 60 साल तो बर्बाद हो गए, 60 साल में हमने करोड़ों रुपए खो दिए, हमने गरीबी में बिता दिए, नुकसान हो गया देश का। क्या आप चाहते हो ऐसे चलता रहे, क्या आप चाहते हो ऐसा ही रहे, क्या आप चाहते हो यही चलता रहे, क्या आप चाहते हो परिवर्तन? बोलो कितने लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन कितने लोग परिवर्तन चाहते हैं? तो परिवर्तन अगर चाहते हो तो आपको आवाज बुलंद करनी होगी, अपने आप को संगठित करना होगा, आपको ये मैदान भरना होगा। ये भर सकते हो ये मैदान? कैसे भरेंगे? एक आदमी 101 लोगों को लाए, इधर जितने भी लोग हैं एक व्यक्ति 101 को लाए कि चलो मैं सर मैदान में चलेंगे, तो ये चलेगा, तब जाके बात बनेगी। इसमें संगठित रहना, बांटना नहीं अपने आप को, और एक आवाज रखना। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जुड़े या ना जुड़े उनकी मर्जी, हमको तो जन लोकपाल बिल चाहिए, और हमको पॉलिटिकल नहीं होना है, हमको अपने झारखंडी बनना है ताकि हम लोग इस देश के इस प्रांत को वो लाके दे जो स्टेट को बचाए और इसको धनीवान बनाए, जिससे क्या हो आपके सबके घर में खुशहाली आए, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके बच्चों को काम मिलेगा, आपको ट्रेनिंग जगह मिलेगी और हमारे बुजुर्गों को पेंशनें मिलेंगी। तब हमारा, मैं समझती हूँ, अपने देश का असली विकास होगा। आपने मुझे प्रेम से सुना, आदर से सुना, इकट्ठे होकर सुना, और कुछ लेकर जाएंगे यहाँ से मैसेज और आगे चलाए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने ही कुछ प्रेस के क्वेश्चन जवाब दे दूंगी।